नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा 7 मई से 13 मई के बीच में सरकार दूसरे देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए 64 फ्लाइटें भेजेगी। मैं आपको बता देता हूँ, लिस्ट बताऊंगा फ्लाइटें कौन कौन सी फ्लाइटें आएगी और कौन कौन से देश के लिए आएगी, और वहीं मैं आपको बताऊँ वो फ्लाइटें वापस आएगी तब वो किन किन राज्यों में आपको भेजेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो, और कौन कौन सी फ्लाइटें लिस्ट बताऊंगा, साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी फ्लाइट आपके यहाँ आएगी और किन किन देशों के लिए सिर्फ अभी ये लागू किया है। तो वीडियो को अंत तक देखना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नोटिस दिख रहा होगा जिसमें मैंने बताया कि भाई कल ही मैंने वीडियो नाइट को बनाया था। आई बटन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा जहां पर मैंने बताया था कि सरकार ने नोटिस जारी कर दिया है, तो आई बटन में वो वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। वीडियो को देखकर वहां नोटिफिकेशन खुद पढ़ सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि 7 मई से 13 मई को आपको किसी भी देश में फंसे हुए तो घर ला जाएगा। आप लिस्ट जारी हुई, वो लिस्ट दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो वीडियो को अंत तक देखना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेलेक्ट कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप छोटा सा निवेदन करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आपको इंटरनेशनल फ्लाइट से जुड़ी पल पल की अपडेट एवं सही जानकारी मिलती रहे। चलिए मैं बता लेता हूँ यहाँ पर किन किन देशों से भारतीयों को लाया जाएगा भारत। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर लिस्ट में जारी लिस्ट बता देता हूँ। यूएई से लाया जाएगा, यूके से लाया जाएगा, अमेरिका से लाया जाएगा, कतर से लाया जाएगा, यहाँ पर सऊदी अरेबिया से लाया जाएगा, सिंगापुर से लाया जाएगा और मलेशिया से लाया जाएगा और फिलीपींस से लाया जाएगा और बांग्लादेश से लाया जाएगा और कुवैत से लाया जाएगा। ये लिस्ट है जहाँ से दूसरे मतलब भारतीयों को भारत लाया जाएगा। यहाँ पर मैं दूसरी अपडेट आप सभी के लिए, यहाँ पर कितनी फ्लाइटें कहाँ तक चलेगी मैं बता रहा हूँ। 10 फ्लाइट यहाँ पर यूएई के लिए चलेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुनो, 7 फ्लाइट बता देता हूँ यूके और यूएस के लिए चलेगी। वहीं मैं आपको बता दूँ 5 फ्लाइटें हैं जो सऊदी अरेबिया के लिए चलेगी और 5 तो सिंगापुर चलेगी और 2 चलेगी कतर के लिए। और एक और मैं बता लेता हूँ, 7 फ्लाइट जो 7 फ्लाइट है वो मलेशिया टू बांग्लादेश चलेगी और 5 फ्लाइट है वो कुवैत और फिलीपींस के लिए चलेगी, और 2 फ्लाइट जो अलग है वो है ओमान और बहरीन के लिए। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये फ्लाइट कहाँ से मतलब किन राज्यों के लिए आपको लेके आएगी। मैं सबसे पहले बता लेता हूँ, 12 फ्लाइट, जी हाँ 12 फ्लाइट केरला आएगी, वही 11 फ्लाइट दिल्ली और तमिलनाडु आएगी, वही 7 फ्लाइट आपको बता दो महाराष्ट्र आएगी, तेलंगाना आएगी, और जितने भी जहाँ पर भी है इंटरनेशनल इशू हुए हैं जिनके कारण रिमेनिंग जो फ्लाइट्स है वो जिनके कार्ड इशू हुए वहीं आएगी। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक बिट सभी को सूचना मिल चुकी कि 64 फ्लाइट है और किन किन देशों में आएगी और कितनी कौन से राज्य में जाएगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वो वीडियो नहीं देखा तो आप आई बटन में आपको वीडियो लिंक मिल जाए जिसमें मैंने बताया था कि सरकार का नोटिस जारी हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर जो लोग हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप सभी का धन्यवाद। लिस्ट पूरी आ चुकी है।